भाई जेड हदीद जो भी है, ये आदमी मेरे को ना बिगिनिंग से ही लौंडियाबाज लग रहा था कि ये कुछ करेगा। हरकत एक बार करी, सलमान ने माफ कर दिया, दोबारा करी, जनता ने लपेट लिया। भाई कमर पे हाथ करके खींच दे रहा था लड़की को, ऐसा कौन करता है भाई। और अभी मनीषा रानी के पीछे पड़े हैं भैया, आपको पता है क्या चाहिए? फ्रेंच किस। मैं कह रहा हूँ देश की जनता ऐसे लाते मारेगी भैया, तुम सीधा फ्रांस पहुंचोगे। और इंटरनेट पर भाई पब्लिक गुस्सा भी है, लतेड़ भी रही है कि भाई साहब किस बात की चाहिए तुझे। और भाई उससे ज़्यादा गुस्सा तो मेरे को ना मनीषा रानी पे आ रहा है। भाई कहाँ अपनी आबरू को दम दाव पे लगा दे रही हो बिना बात। भाई क्या बोल रही हो कि दुबई लेके चलेगा तो मिलेगी फ्रेंच किस? क्या है 5 लाख रुपए की मेरी एक किस है? क्या बातें कर रहे हो मनीषा रानी? इतना प्यारा गेम खेलते खेलते तुम ये बचकानी बचकांडी हरकतों पे आ गई हो भाई, ये चीजें ना झिल नहीं रही हैं। और फिर बाद में ना कोई कुछ बोल देगा, तुम बोलोगे ये बोल दिया वो बोल दिया। अरे तुम क्या स्टेटमेंट देती हो कि मैं तो मेरी एक किस 5 लाख रुपए की है, दुबई लेके चलेगा तुझे फ्रेंच किस दूंगी। भाई सबसे पहले ना आप लोगों को बोलने की जगह देते हो, आप खुद बनाते हो कि ये इस जगह में मेरे को बोलो। फिर कोई बोलता है, फिर बोलेगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा बोलेगा, फिर भाई रोने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया मेरे को, ऐसा कैसे बोल दिया भाई। एयर जितना जेड हदीद गलत उतना ही मनीषा रानी गलत। भाई लिमिट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इसकी तो फ्रेंच किस तो मैं देखता हूँ, रुको तुम सलमान से बात करके इसमें डांट लगाता हूँ बहुत तगड़ी वाली। ज़्यादा ही ठरक घुस गई है दिमाग में इसके। बाकी जनता आपकी क्या राय है इस वाली कॉन्ट्रोवर्सी पे, 5 लाख की पप्पी पे? डू लेट मी नो थ्रू कमेंट। बाकी मिलता हूँ आपसे जल्द, बाय बाय।